हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक के, मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी? पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियो चांसलर कौन बने हैं ये पूछा गया है। तो ये बने हैं जगदीप धनकर। Who has been appointed as the head of 16th Finance Commission by government? Indian government द्वारा 16th Finance Commission के लिए head किसे नियुक्त किया गया है ये पूछा है। तो ये किया गया है अरविंद पनागरिया को। ये जो है वो 16th Finance Commission के chairman होंगे और ये former नीति आयोग vice chairman रह चुके हैं। और इनका जो term होगा वो अप्रैल 2026 से start होगा और आने वाले 5 सालों के लिए उन्हें चेयरमैन बनाया जाएगा। और अभी जो चल रहा है वो है 15th फाइनेंस कमीशन और उसके चेयरमैन है एनके सिंह, जिनका टेन्योर 2019 में फिर से उन्हें एक्सटेंड किया गया था उनका टेन्योर, और आने वाले 6 सालों तक रहेगा, यानी 2025 तक रहेगा। और 2026 से अरविंद पनागरिया को हेड बनाया जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द CISF? CISF की पहली वुमेन बनी है जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है, तो वो बनी है नीना सिंह, जिन्हें डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। कुछ और न्यूज़ देखते हैं। राहुल रजगुत्रा जो हैं उन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ITBP का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं। और IPS ऑफिसर है महेश्वर दयाल, इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया है प्रिजंस करेक्शन सर्विस का। KS रेड्डी को जो है वो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। और एयर मार्शल मकरंद रानाडे जो है उन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के लिए एट एयर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? ये बने हैं CS राजन। CS राजन ने प्रकाश आपटे की जगह ली है और चेयरमैन बने हैं। और CS राजन का जो टेन्योर है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है, 2 साल के लिए होगा। और एक चीज नोट कीजिएगा, संतोष झा जो है वो इंडिया न्यू एनवॉय टू श्रीलंका बने हैं और प्रकाश झा ने गोपाल बगले की जगह ली है, क्योंकि गोपाल बगले जो है वो हाई कमिश्नर बने हैं ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया के लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन टू द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बोर्ड में पहली इंडियन बनी है जिन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ये बनी है वीता दानी। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन जो है वो 2018 में बना था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ बेंगलुरु स्लाइस बैग्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इसके MD एंड CEO बने हैं सतीश कुमार कालरा। स्लाइस जो है वो एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो रही है। Who has been appointed as the chairman of Bombay Stock Exchange? तो ये बने हैं प्रमोद अग्रवाल और इनका जो टेन्योर होगा वो 17 जनवरी 2024 से होगा। अभी जो करंट चेयरमैन है वो है SS मुंद्रा जो कि 16 जनवरी तक रहेंगे। Who has been appointed as the new chief of Wrestling Federation of India? तो ये बने हैं संजय सिंह। और एक चीज नोट कीजिएगा, ICICI बैंक को अप्रूवल मिल गया है RBI से कि जो संदीप बत्रा है उनका रीअपॉइंटमेंट हो सके एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। और उनका जो टेन्योर होगा 23 दिसंबर 2023 से लेके 22 दिसंबर 2025 तक रहेगा। परम सिंह जो है उन्हें पार्ट टाइम मेंबर बना दिया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इजराइल्स एम्बेसडर टू इंडिया? तो ये बने हैं रियुवेन अजर। Who has been appointed as the chairman and independent director at Swiggy? तो ये बने हैं आनंद कृपालू। और एक्स्ट्रा चीज नोट करना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं राजीव आनंद। इंडियन ओरिजिन मीडिया एग्जीक्यूटिव है समीर शाह, उन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने जितेश जॉन को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। Who has become first woman director general of Indian Council of Forestry Research and Education?
ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में ऑपरेट होता है। तो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, वो बनी है कंचन देवी। विच बैंक अपॉइंटेड फॉर्मर नाबार्ड चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला एज इट्स डायरेक्टर। हर्ष कुमार भानवाला कौन से बैंक के डायरेक्टर बने हैं ये पूछा गया है, तो ये बने हैं HDFC बैंक के डायरेक्टर, और इन्हें 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है। इनका टर्म 25 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। और एक चीज नोट कीजिएगा, इंडिया के जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हें वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है UN एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन पूछे गए हैं, तो ये कौन अपॉइंट हुए हैं, ये हुए हैं रजत कुमार जैन, और इनका टर्म स्टार्ट होगा 24 नवंबर 2023 से लेके 1 नवंबर 2025 तक इनका टर्म रहेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की। फिक्की के प्रेजिडेंट कौन बने हैं, वो बने हैं अनीश शाह। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अनीश शाह जो है वो सूर्यकांत पांडा को सक्सीड करेंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर द टाटा स्टील कोलकाता 25K इवेंट। टाटा स्टील कोलकाता 25 इवेंट के इवेंट का इंटरनेशनल एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है ये पूछा है, तो ये किया है कॉलिन जैक्सन को। ये जो है उन्होंने 110 मीटर हर्डल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, प्रीवियस होल्डर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये। और टाटा स्टील कोलकाता 25K इवेंट जो है वो 17 दिसंबर 2023 को होने वाला है। विच कंपनी अपॉइंटेड अपर्णा गुप्ता एज लीडर ऑफ ग्लोबल डिलीवरी सेंटर। अपर्णा गुप्ता कौन सी कंपनी की ग्लोबल डिलीवरी सेंटर की लीडर बनी है, उन्हें अपॉइंट किया गया है, तो वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट की। विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है सौरव गांगुली को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ SBI। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, वो बने हैं विनय टॉन्सिल। कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो वो देखते हैं। मीरा मूर्ति, उन्हें इंटरिम CEO बनाया गया है OpenAI के लिए। दीपेश नंदा, ये CEO एंड MD बने हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। डायरेक्टर कौन बने हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ये पूछा है, तो ये बने हैं आलोक शर्मा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूके फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं यूके के, तो ये बने हैं डेविड कैमरॉन। और हेल्थ सेक्रेटरी बने हैं विक्टोरिया एटकिंस। स्टीव पार्कले बने हैं एनवायरमेंट सेक्रेटरी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये कौन बने हैं, ये बने हैं हीरा लाल समारिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं ये पूछा है, तो ये है मनोरंजन मिश्रा। और अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो वो देखते हैं। रोहित ऋषि जो है उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। राजेंद्र मेनन को री इलेक्ट किया है एज द चेयरमैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल 4 साल के लिए, 4 साल के लिए री अपॉइंटमेंट हुआ है उनका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, तो कौन बने हैं इसके MD एंड CEO, ये बने हैं अशोक वासवानी। अशोक वासवानी जो है वो January 1 से अपॉइंट किए जाएंगे और इनका 3 साल का टेन्योर होगा। तब तक दीपक गुप्ता सर्व करेंगे 31 दिसंबर तक। वॉट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO, तो उसका नाम है माइका। ये हैंसन रोबोटिक्स ने डिक्टेटर कंपनी के साथ मिल के ये रोबोट माइका जो रोबोट है वो लॉन्च किया है। विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज UPS सेफ्टी एम्बेसडर बाय NPCI। UPS सेफ्टी एम्बेसडर कौन बना है, ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट, तो ये बने हैं राजेश धनकर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सेक्रेटरी इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो नए एडिशनल सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो ये बने हैं N श्रीकांत। CMD ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड किसे बनाया गया है, ये बनाए गए हैं संतोष कुमार झा को। और CMD ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के CMD बने हैं कोपू सदाशिव मूर्ति। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस एंड इन्वेस्टर रिलेशंस के लिए अनुपमा प्रियदर्शनी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरक्लोसिस बाय द WHO। ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में किसे मेंबर बनाया गया है? ये WHO द्वारा किया गया है, तो ये बनाया गया है सारंग डियो को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के 28वें डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है? तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने हैं। और अभी हाल ही में एक और रिक्रूटमेंट हुआ है, डिप्यूटी चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के, कौन बने हैं? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के CMD कौन बने हैं? ये बने हैं संजय कुमार जैन। कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं तो वो देखते हैं। रामास्वामी एन, ये बने हैं CMD ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ग्लोबल CEO बने हैं, PayU के ग्लोबल CEO कौन बने हैं? ये बने हैं अनिर्बन मुखर्जी। हु हैज बीन इलेक्टेड टू बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, तो किसे शामिल किया गया है? ये किया गया है मिनेश शाह को। मिनेश शाह CMD है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। और कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो देखते हैं। संजय कुलश्रेष्ठा, ये CMD बने हैं हडको के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। एचपी ने इप्सिता दासगुप्ता को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड MD बनाया है इंडिया का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ओडिशा, ओडिशा के गवर्नर बने हैं रघुबर दास। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन बने हैं? इंद्र सेन रेड्डी। Who has become the 42nd Prime Minister of New Zealand? ये कौन बने हैं? ये बने हैं क्रिस्टोफर लगजोन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। Who has been appointed as the Chief Justice of Manipur High Court? मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये बने हैं सिद्धार्थ मृदुल। कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो वो देखते हैं। Who has been appointed as the Brand Ambassador of Reliance Jio Mart के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं MS धोनी। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं नवनीत मुन्नोट। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? संदीप शंदिलिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं मुनीश कपूर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN इन जेनेवा इन अक्टूबर 2023। इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं UN के लिए जेनेवा में? तो ये बने हैं अरिंदम बागची। UN की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए UN डे बनाते हैं 24 अक्टूबर को। और UN की हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्चुगल से हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, कौन बने हैं डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस? ये बने हैं BK मोहंती। और CMD कौन है? IREDA के, ये हैं श्री प्रदीप कुमार दास। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर ऑफ डेलॉइट, ये बने हैं आदित्य पुरी HDFC के चेयरमैन रह चुके हैं। Who has been elected as the chairman of the Audit Bureau of Circulation for 2023 and 2024? Audit Bureau of Circulation के chairman कौन बने हैं? वो बने हैं श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी executive chairman है R.K. स्वामी हंस ग्रुप की। Who has been appointed as the chairman of Telecom Industry Body Digital Infrastructure Provider Association? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं धनंजय जोशी। धनंजय जोशी CMD एंड CEO है समट डिजिटल के। न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक कौन बने हैं? PR शेषाद्री। कुछ MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं तो वो देख लेते हैं। MD ऑफ यूको बैंक कौन बने हैं? अश्विनी कुमार। कर्नाटका बैंक के MD एंड CEO बने हैं श्री कृष्णन हरि शर्मा। डेप्यूटी MD ऑफ IDBI बैंक बने हैं जय कुमार पिल्ले। MD ऑफ पूमा इंडिया कौन बने हैं? कार्तिक बाला गोपालन। MD एंड CEO ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड बने हैं राजीव धर।
एमडी ऑफ बड़ौदा बैंक कौन बने हैं? देवदत्त चंद, सीईओ ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके सीईओ बने हैं हरिहर कृष्ण मिश्राफ। डेप्यूटी एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक बने हैं कैजाद बारूचा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी एंड सीईओ बने हैं रणधीर ठाकुर। एक्सिस सिक्योरिटी के बने हैं प्रणव हरिदासन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के बने हैं अनूप बागची। सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बने हैं के कीर्तिवासन। टेक महिंद्रा के बने हैं मोहित जोशी। एंड नीति आयोग के सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं राहुल नवीन। एस एस दुबे, और एक अपॉइंटमेंट हुई है एस एस दुबे जो है उन्होंने कंट्रोलर सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किया गया है और ये 28th नंबर के होंगे। कुछ और एमडी एंड सीईओ बने हैं तो वो देख लेते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बने हैं अमित झिंगरान। टाटा स्टील के बने हैं टीवी नरेंद्रन। सीईओ ऑफ नोएडा अथॉरिटी के बने हैं लोकेश एम। सीईओ ऑफ जैगुआर लैंड रोवर के बने हैं एड्रियन मार्डल। इन्वेस्ट इंडिया के बने हैं निवृत्ति राय। सी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। सीईओ ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बने हैं कृष्णन मिश्रा। लॉयड्स बैंक बैंकिंग ग्रुप टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं शिरीषा वोरुगंती। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बने हैं रोहित जावा। एंड डीबीएस बैंक के एमडी बने हैं रजत वर्मा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के एमडी बने हैं कमल किशोर छटिवाल। नैसकॉम के वाइस चेयरमैन कौन बनी है? वो बनी है सिंधु गंगाधरन। और देख लेते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, इसका फुल फॉर्म है, उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? वाइस चेयरमैन तो हमें पता है सिंधु गंगाधरन, और चेयरपर्सन बने हैं राजेश नाम्बियार। और एसोचैम है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय सिंह। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वो बने हैं राजीव रघुवंशी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड? मास्टर कार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? रजनीश कुमार। और एक और अपॉइंटमेंट हुई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं? रवनीत कौर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में सेक्रेटरी कौन बने हैं? वो बने हैं नीरज मित्तल। और मिनिस्ट्रीज में दूसरी सेक्रेटरीज भी बनी हैं तो वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बने हैं एस कृष्णन। पंचायती राज में बने हैं वी एल कांता राव। पार्लियामेंट्री अफेयर्स बने हैं उमंग नरूला। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, उसके सेक्रेटरी बने हैं अरुणीश चावला। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसके सेक्रेटरी बने हैं चंचल कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बने हैं वुमलुंग मांग वालनाम। कुछ और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो वो भी देखते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में ने लोकेश सूजी को डायरेक्टर बनाया है स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया है एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन का 3 साल के लिए। श्याम सुंदर गुप्ता को सेंट्रल रेलवे प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर बनाया गया है। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा के पद से रिजाइन कर दिया, कोटक महिंद्रा में एमडी एंड सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया। तो नए कौन बने हैं उसमें? नए बने हैं दीपक गुप्ता जो इंटरिम इंटरवल के लिए बने गए हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने उमेश रेवानकर को चेयरमैन बनाया है। एसबीआई ने 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, वो हैं केतन शिवजी विकाम से, मृगंक मधुकर परांजपे, राजेश कुमार दुबे एंड धर्मेंद्र सिंह शेखावत। ये चारों को एसबीआई ने डायरेक्टर बनाया है। और नीलकंठ मिश्रा पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं यूआईडीएआई के। वाईकॉम 18 ने किरण मानी को सीईओ बनाया है उनके डिजिटल बिजनेस का। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है अदिल सुमारी वाला, उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया गया है। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने कमलेश वार्ष्णेय एंड अमरजीत सिंह को सेबी का होल टाइम मेंबर बनाया गया है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएफ
फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं आर माधवन। इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के मेंबर कौन बने हैं? तो वो बने हैं एनवी रमना। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड रेलवे बोर्ड, ये पहली बार हिस्ट्री में, रेलवे की हिस्ट्री में पहली वुमेन बनी है जो कि चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की, तो वो बनी है जया वर्मा सिन्हा। हु हैज टेकन चार्ज ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एट आकाशवाणी, कौन बनी है? वासुदा गुप्ता। मनीष देसाई को प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ओडिशा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बने हैं? अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो बने हैं सुभाशीष तलापात्रा। कुछ और स्टेट्स के भी चीफ जस्टिस बने हैं वो देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। आंध्र प्रदेश के बने हैं धीरज सिंह। केरला के आशीष जितेंद्र देसाई। तेलंगाना के बने हैं आलोक आराधे। सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं के.वी. विश्वनाथन एंड प्रशांत मिश्रा। तो कैलकाटा के बने हैं टी.एस. शिवागनम। त्रिपुरा के बने हैं अपारिश कुमार सिंह। गुजरात के बने हैं सुनीता अग्रवाल। गुवाहाटी के बने हैं संदीप मेहता। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट के बने हैं कोटीश्वर सिंह। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन बने हैं? वो बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। हु बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन चार्ज डे अफेयर इन पाकिस्तान, ये पहली वुमेन बनी है चार्ज डे अफेयर पाकिस्तान में, तो वो बनी है गीतिका श्रीवास्तव। अरुण सुब्रमण्यम जो है वो पहले इंडियन अमेरिकन जज होंगे न्यूयॉर्क कोर्ट के। कुछ और चेयरपर्सन बने हैं वो भी देख लेते हैं। संजय कुमार अग्रवाल, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरपर्सन बने हैं। आर शेषाई, ये बने हैं एशियन पेंट्स के चेयरपर्सन। एस विंसेंट राजकुमार इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन के चेयरपर्सन बने हैं। बी नीरजा प्रभाकर, ये रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन बनी है जो फॉर दी किसके लिए? ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च की है। के राजा रमन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरपर्सन बने हैं। अजीत अगरकर सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं। गोपीचंद हिंदुजा हिंदुजा ग्रुप के चेयरपर्सन बने हैं। वी अनंत रमन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बने हैं ट्रांस यूनियन सबल के। निर्मला लक्ष्मण, ये हिंदुजा ग्रुप के चेयरपर्सन बने हैं। हर्ष जैन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं। ए के जैन चेयरपर्सन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं। मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरपर्सन बने हैं। रथेंद्र रमन कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन बने हैं। ए के मोहंती एटमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस, तो ये कौन बनी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी परमिंदर चोपड़ा। कुछ और सीएमडी बने हैं वो भी देखते हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बने हैं शिवेंद्र नाथ। आईडीसी बोर्ड के बने हैं संजीव पुरी। कोल इंडिया लिमिटेड के पीएम प्रसाद। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो के एन रामास्वामी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बने हैं एम राजेश्वरी सिंह। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बने हैं संजय स्वरूप। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अमरेंदु प्रकाश। लार्सन एंड टुब्रो के बने हैं एस एन सुब्रमण्यम। बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं सीएमडी रजनीश कर्नाटक। बीईएमएल लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, इसके बने हैं शांतनु रॉय। भारत डायनामिक्स के बने हैं ए माधव राव। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वो बने हैं राकेश पाल। और कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जैसे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं मनोज मनोज यादव। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? क्यू डोंगयू जो चाइना के हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, कौन बने हैं इसके प्रेसिडेंट? नीरज अखुरे। और पार्थ जिंदल जो कि एमडी हैं JSW सीमेंट के, वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. इसके एमडी कौन बने हैं? आर दुराई स्वामी. कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं वो देखते हैं. एमडी ऑफ एलआईसी और कौन बने हैं? सतपाल भानु. दो बने हैं, ठीक है. नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं प्रोफेसर गणेशन कना बिरन. कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखते हैं. टेस्ला ने उनके सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे बनाया है? वैभव तनेजा को. एफबीआई फील्ड ऑफिस इन सॉल्ट लेक, एफबीआई का फील्ड ऑफिस है सॉल्ट लेक सिटी में, तो उसकी हेड कौन बनी है? सोहिनी सिन्हा. माइक्रोसॉफ्ट ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया के लिए, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पुनीत चंदोक. यूएस सेनेट ने डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया है? निशा बसवल. और एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? रजय कुमार सिन्हा. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के मेंबर किसे बनाया गया है? प्रमोद राव को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेबी के. उज्जवल भुयन एंड एस वेंकट नारायण भट्टी, ये जजेस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया है. कुवैत के शेख तलल फहाद अल अहमद अल सबा, इन्हें न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का. रशियन की जो एनर्जी की जायंट कंपनी है रॉसनेफ्ट, इनके मेंबर के ने नियुक्त किए हैं गोविंद कोटिस सतीश. टेक जायंट गूगल, इसने गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को टॉप गवर्नमेंट अफेयर्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया गया है इंडिया के लिए. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? कामेश्वर राव कोडावंती. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं पी वासुदेवन. और आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन, अभी इनका रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तुषार मेहता, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है. और कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. इंडिया एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किन्हें बनाया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत. और डायरेक्टर ऑफ यूएसए ईस्ट कोस्ट, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टर बनाया है नूतन रुंगता को यूएसए ईस्ट कोस्ट का. आलोक कुमार को मेंबर बनाया गया है एडीबी की हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप का. इंडियन सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को आईटा के बोर्ड में गवर्नर के लिए नियुक्त किया गया है. अंशु माली रस्तोगी को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काउंसिल में सेलेक्ट किया गया है. फोक सिंगर है मैथिली ठाकुर, उसे स्टेट आइकन बनाया गया है बिहार का इलेक्शन कमीशन द्वारा. गीता राव गुप्ता को यूएसए एम्बेसडर एट लार्ज फॉर वुमेन्स इशू के लिए एम्बेसडर बनाया गया है. बैडमिंटन एशिया ने चेयरमैन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल कमिटी का चेयरमैन बनाया है उमर रशीद को. सुधा शिव कुमार क्या बनी है? 40th प्रेसिडेंट बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द सीबीआई, सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं अजय भटनागर. और सीबीआई में दूसरे अपॉइंटमेंट्स भी हुए थे, जैसे एडिशनल डायरेक्टर किसे बनाया था? अनुराग को. एडिशनल डायरेक्टर इन सीबीआई ये और एक और एडिशनल डायरेक्टर बनाए थे मनोज शशिधर को. और ज्वाइंट डायरेक्टर बने थे शरद अग्रवाल. कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुई है वो देखते हैं. अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के सीईओ बने हैं एडी वू. कैंटा सर्वेस के सीईओ बने हैं वेनिसा हडसन. वोडाफोन के सीईओ कौन बने हैं? मार्गरीटा डेलावेला. यूट्यूब के सीईओ बने हैं नील मोहन. एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू. जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल बैंक कौन बने हैं? नरेश ललवानी. डायरेक्टर जनरल इन द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त. एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? अर्जुन कुमार सीकरी. डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ
अथॉरिटी के डायरेक्टर बने हैं प्रवीण शर्मा, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं पंकज कुमार सिंह, एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं हसमुख आदिया, हु हैज टेकन ओवर एज द एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन ये कौन बने हैं ये बने हैं राकेश कुमार आनंद सॉरी राजेश कुमार, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कौन बने हैं रवि सिन्हा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल कौन बनी है वो बनी है रूबी सिन्हा, और एक और अपॉइंटमेंट हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए हैं तो कौन बने हैं अनिकेत सुनील तलाटी और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल आनंद, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के 78th सेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं डेनिस फ्रांसिस, और यूएन की 62nd सेशन की चेयरमैन कौन बनी है रुचिरा कंबोज। कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स भी देख लेते हैं, सीनियर एडवाइजर ऑफ डेलॉइट के सीनियर एडवाइजर कौन बने मनोज कोहली, डायरेक्टर एट एनएचपीसी लिमिटेड इंडिया ये एक हाइड्रो पावर कंपनी है इसके डायरेक्टर बने हैं उत्तम लाल, सीईओ ऑफ यूआईडीएआई कौन बने हैं अमित अग्रवाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कौन बने हैं सुबोध कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अतुल वर्मा बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन बने हैं जनार्दन प्रसाद, एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं अजय यादव, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द WHO ये कौन बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि CAG हैं, प्रेसिडेंट ऑफ टेक वॉन्डू इंडिया कौन बने हैं नामदेव शिरगांवकर, प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ पीटीएम कौन बने हैं भावेश गुप्ता, ट्विटर के सीईओ बने हैं लिंडा याकेरिनो, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC रत्नाकर पटनायक, चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन बने हैं अंशुमन सिंघानिया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की कौन बने हैं शैलेश पाठक, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2023 एंड 2024 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन बने हैं 2023 और 24 के लिए आर दिनेश, हु हैज बीन स्वॉन इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, हु हैज बिकम द हाईएस्ट रैंकिंग साउथ एशियन वुमन इन द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट रैंकिंग में पहुंचने वाली पहली साउथ एशियन वुमन कौन बनी है प्रतिमा भुल्लर मल्डोनाडो, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो एशिया के हैं एशिया का जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं वो बने हैं के गोविंद राज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट कौन बने हैं अजय बांगा ये इंडिया से हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं वो बने हैं प्रवीण सूद, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं संजय जसजीत सिंह, और एमबी सुचिंद्रन कुमार ये न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी है, नेवल का पूछेंगे तो संजय जसजीत सिंह है और आर्मी का पूछेंगे तो सुचेंद्र कुमार है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ LIC, LIC के चेयरमैन कौन बने हैं वो बने हैं सिद्धार्थ मोहंती, और दीपक मोहंती जो है वो चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कंफ्यूज नहीं होना PFRDA के हैं दीपक मोहंती और LIC के हैं सिद्धार्थ मोहंती, हु इज सेट टू बिकम चेयरमैन ऑफ इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड तो इसके चेयरमैन बने हैं नारायण शेषाद्री, और एक चीज नोट करना रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है रूरल मार्केटर्स के लिए जिन्होंने लीडरशिप चेंज हुई है इनकी रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इसमें चेयरमैन को चेंज किया गया है तो 18th एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया गया है, इसमें इनके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं पुनीत विद्यार्थी जो कि प्रेसिडेंट होंगे रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 2023 से लेके 2025 तक के लिए।
इस वीडियो में इतना ही था, मैंने सारे क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं सब कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।